सबसे पहले गाइस आप यहां पे साइड में मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर लाइव प्रूफ देख लीजिए कि यहां पर मैंने HDFC बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और मुझे यहां पे 5 लाख रुपए लोन का अप्रूवल मिल चुका है। यहां पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं। तो अगर आपको भी पैसों की जरूरत है और अगर आप HDFC बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिना ब्रांच जाए घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से सिर्फ 5 मिनट में HDFC बैंक से 5 लाख रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे लेंगे। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप HDFC बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करने का फुल प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पे नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस HDFC बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप यहां पर HDFC बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट यहां पे आ सकते हैं। यहां पर आने पर देख सकते क्विक फंड्स एक्सप्रेस पर्सनल लोन बता रहा है। कंप्लीटली इसका डिजिटल प्रोसेस है, यानी आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑनलाइन ही लोन को ले सकते हैं। 40 लाख रुपए तक का यहां पे आपको पर्सनल लोन दिया जाएगा जिसको कि आप 5 साल तक के लिए ले सकते हैं, ठीक है। यहां पे अगर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहां पर EMI कैलकुलेट का ऑप्शन मिलता है, यहां से आप EMI को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और यहां पे देखेंगे तो जो लोन का यहां पे डिटेल्स है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो यहां से भी चेक ऑफर के ऑप्शन पे क्लिक करके लोन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऊपर आएंगे तो यहां पर भी आपको चेक ऑफर का एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पर भी क्लिक करके लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहां पे देखेंगे तो ये आपसे सबसे पहले ये पूछेगा कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं। जैसे कि आप सैलरीड है, मतलब कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो और आपको हर महीने सैलरी मिलती है तो आप यहां पे सैलरीड को चूज करेंगे। लेकिन अगर आपका यहां पे खुद का कोई बिजनेस है, खुद का कोई दुकान है, अगर आप डॉक्टर है, लॉयर है या फिर खुद का कोई आप बिजनेस करते हैं तो आप यहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे जिनका लोन अप्लाई करें वो यहाँ पे सैलरीड पर्सन है तो इसलिए हम यहाँ पे सैलरीड को चूज करेंगे। सैलरीड को चूज करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे जो भी आपके पैन कार्ड पे। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इन सबको आप टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे व्यू लोन एलिजिबिलिटी इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिस OTP को यहाँ पे डाल के नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे KYC के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे आप दो तरीके से KYC अपनी कर सकते। पहला यहाँ पे आधार कार्ड के द्वारा जो कि आप घर बैठे इंस्टेंट अपना कर सकते, दूसरा यहाँ पे आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई हमको ब्रांच नहीं जाना है, हम बिना ब्रांच जाए लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन से आधार ही KYC वाला आप इस वाले ऑप्शंस को यहां पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो नीचे यहां पे चूज एंड कंटिन्यू इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखेंगे तो ये आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछ रहा है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड का नंबर नहीं है तो यहां पे वर्चुअल आईडी नंबर भी अपना डाल सकते हैं जो कि आधार कार्ड के नीचे ही यहां पे दिया रहता है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी नंबर दे सकते हैं, हम यहाँ पे अपने आधार कार्ड का ही नंबर देंगे, तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सेलेक्ट है, तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा, तो उस OTP को आप यहाँ पे डालेंगे और OTP को डालने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपका डिटेल्स है सारा डिटेल्स आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड से उठा लिया है, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, सब कुछ यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो रेसिडेंस टाइप आपसे पूछ रहा है, यानी कि अभी आप कहाँ पे रहते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मतलब कि अभी आप जहाँ पे रहते हैं वो जो घर होता है मतलब कहाँ पे रहते हैं वो आपको कंपनी ने दिया है, या आप हॉस्टल में रहते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स का वो है, या आपका खुद का वो मतलब, या आपके हस्बैंड या वाइफ का आपका घर है, या फिर यहाँ पे गेस्ट है, या रेंट पे लेके रहते हैं, या फैमिली के साथ रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ। तो जैसे भी आप रहते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमारा खुद का है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ये आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछेगा कि आप क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी काम करते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड उसको सेलेक्ट करेंगे। इंडस्ट्री टाइप पूछ रहा है तो यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप यहाँ पे डाल देंगे, किस टाइप का काम करते हैं, एम्प्लॉयर नाम पूछ रहा है वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यह आपसे इनकम का डिटेल्स पूछेगा, यानी आपका इनकम कितना, आप महीने में कितना कमा लेते हैं, आपको हर महीने कितना सैलरी मिलता है, तो वो आप यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि आपको 20,000 रुपये मिलता है, 25,000, जितना भी आपको हर महीने सैलरी मिलता है वो अमाउंट आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जिस्टिंग EMI पूछ रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए आपसे पहले आपने कहीं से भी लोन लिया चाहे किसी एप्लीकेशन से या बैंक से, और उसका अगर आप रीपेमेंट करते हैं हर महीने EMI पे कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, जैसे कि 10,000, 20,000, जितना भी आप EMI पे करते हैं वो अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से कोई भी लोन नहीं लिए, आपसे पहले कोई भी लोन नहीं लिया, आपका कोई भी EMI नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पे इसको जीरो कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे चेक लोन एलिजिबिलिटी इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस फाइनली देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस,
और दिया यू आर एलिजिबल फॉर ए पर्सनल लोन अप टू 5,50,000। मतलब कि हमको यहाँ पे 5,50,000 रुपए लोन का यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम मैं यहाँ पे 50,000 का लोन ले सकता हूँ और मैक्सिमम 5,50,000 रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकता हूँ। ठीक है, टेन्योर की बात करें तो इस लोन को मैं यहाँ पे 5 साल तक के लिए ले सकता हूँ। तो ये जो आपको टेन्योर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके अगर आप चाहें तो ईयर्स को कम भी कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए 5 साल के लिए लोन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ यहाँ पे 2 साल के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मंथली ईएमआई आप यहाँ पे मेरी देख सकते हैं कि अगर मैं 5,50,000 का लोन 5 साल के लिए लेता हूँ तो 12,234 रुपये हर महीने मेरी ईएमआई आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको और भी जो इसका इंटरेस्ट रेट है देखने को मिल जाएगा, जैसे कि 12% पर एनुअल के हिसाब से मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है। टोटल जो रीपेमेंट करना होगा वो 7,34,040 रुपये हमको टोटल यहाँ पे रीपेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे लोन प्रोसेसिंग चार्ज भी बता रहा है, जो कि यहाँ पे 4,999 यानी कि 5,000 रुपये यहाँ पे लोन प्रोसेसिंग चार्ज लगाया जा रहा है। पेमेंट रिटर्न चार्ज देख सकते हैं 450 रुपये, और भी जो इसका चार्ज है सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अगर मान लीजिए आपको 5 लाख का लोन नहीं चाहिए, आपको उससे भी ज्यादा का लोन चाहिए, अगर मान लीजिए आपको 10 लाख का लोन चाहिए तो यहाँ पे देखेंगे नीड हायर लोन अमाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने लोन की लिमिट को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमको नहीं बढ़ाना, हमको यहाँ पे 5,50,000 का ही लोन चाहिए। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर लोन ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आप सिंपली इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद गाइस अब देखेंगे तो हमको कम्युनिकेशन एड्रेस अपना डालना होगा, यानी कि जो हमारा करंट एड्रेस है जहाँ पे अभी हम रहते हैं वो वाला एड्रेस हमको डालना होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारे आधार कार्ड का जो भी एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मतलब जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है ये वाला, यही आपका करंट एड्रेस भी है, मतलब आप इसी एड्रेस पे रहते हैं। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, अगर मान लीजिए ये जो आधार कार्ड का एड्रेस है अगर आप इस पे नहीं रहते कहीं और रहते तो आप नीचे यहाँ पे सिलेक्ट करके जहाँ पे रहते हैं वहाँ का एड्रेस डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, हम उसी एड्रेस पर रहते हैं इसलिए हम यहाँ पे सेम वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लिए हैं। नीचे यहाँ पर आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो ग्रेट लेट्स मूव अवेड यहाँ पे बोल रहा है कि अब हमको यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस अपना देना होगा, मतलब कि हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ का एड्रेस हमको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में पूरा एड्रेस डाल देंगे, एरिया का पिन कोड स्टेट का नाम ये सारा एड्रेस आप डालेंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे स्टेट का नाम सिटी का नाम, उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहा है तो ये भी आप दे सकते हैं। अब नीचे देखेंगे तो दिया है यूज ऑफिस एड्रेस फॉर ऑल कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब कि जो आपका ऑफिस का एड्रेस है अगर उसको अपने कम्युनिकेशन एड्रेस के तौर पे यहाँ पे अगर ऑन करना चाहते तो यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, हम नहीं करना चाहते हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे तो वर्क का ईमेल आईडी पूछ रहा है, यानी जो भी आपका ऑफिस का ईमेल आईडी होगा वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद वेरीफाई ईमेल आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके ऑफिस वाले ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा जिसको डाल के वेरीफाई करना पड़ेगा। लेकिन गाइस अगर मान लीजिए आपके पास ऑफिस का ईमेल आईडी नहीं है, आपको ऑफिस का ईमेल आईडी नहीं मिल पाता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं वहां पर आपको एक तरीका बता दूंगा जिससे कि आप खुद से ही यहां पे एक ऑफिस का ईमेल आईडी बना सकते हैं और उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम अपने ऑफिस का ईमेल आईडी डाल देते हैं, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो ये पैन कार्ड का नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे रेफरेंस में आपको डिटेल्स देना होगा। तो सबसे पहले रेफरेंस में आप जिसका भी मोबाइल नंबर दे रहे हैं उनका नाम यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर उनका डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो बैंक अकाउंट का डिटेल्स आपको देना होगा जिसमें आप लोन का पैसा लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो बैंक का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करिएगा जिस भी बैंक में आपको पैसा चाहिए, यहाँ पे अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे। लोन टाइप पूछ रहा है तो इसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगर मान लीजिए कोई भी बैंक का कर्मचारी आपकी मदद कर रहा है तो ऑन कर देंगे, नहीं तो इसको रहने ही दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। गाइस एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जिस बैंक अकाउंट में आपका पैसा आएगा उसी अकाउंट से हर महीने आपकी ईएमआई भी कटने वाली है। ठीक है, तो चलिए बैंक डिटेल्स हम यहाँ पे दे देते हैं। अब जैसे बैंक डिटेल्स यहाँ पे देंगे, कैप्चर योर अपलोड फोटो, यानी कि अब आपको यहाँ पर अपनी एक सेल्फी लेके अपलोड करना होगा, तो यहाँ पे क्लिक हेयर का एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप अपनी एक सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेके अपलोड करेंगे। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है तो इस पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद देखेंगे ये हमसे इनकम प्रूफ पूछ रहा है, तो इनकम प्रूफ में यहाँ पे ई वेरिफिकेशन बोल रहा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपका अकाउंट है बैंक स्टेटमेंट के द्वारा यहाँ पे आपका वेरीफाई कर दिया जाएगा, या फिर यहाँ पे नीचे और भी डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं जो भी आप देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करना होगा, तो बैंक का स्टेटमेंट भी यहाँ पे अपलोड करिएगा, उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद गाइस यहाँ पे जो भी आपका पैसा वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप एचडीएफसी
किसी बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। फिलहाल मुझे अभी लोन की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया। लेकिन अगर आप यहां से लोन लेना चाहते तो यही प्रोसेस है। अगर मान लीजिए कि आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, आप बिना किसी इनकम प्रूफ के लोन लेना चाहते, तो मैं यहां पर कई सारे एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाया हूं जिन एप्लीकेशन से आप बिना किसी इनकम प्रूफ के पर्सनल लोन ले सकते हैं, और उन एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहां पर जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।